हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ बांदीकुई राजेश पायलट कॉलेज के अंदर, क्योंकि आज है जो राजेश पायलट कॉलेज है उसकी मूर्ति का अनावरण है। ठीक है, राजेश जी पायलट है, उनकी मूर्ति का अनावरण आज का है, 11 तारीख है। ठीक है, और उनकी जो मूर्ति का अनावरण है, जो हमारे माननीय श्री सचिन जी पायलट है ना, वो यहाँ के मेन मुख्य अतिथि हैं। उन्हीं के हाथों के द्वारा हमारे जो राजेश पायलट की मूर्ति है, उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको जो कुछ भी वहाँ पे होगा लाइव, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जो जो लोग सचिन जी पायलट से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मैं अपने मांदीकुई मार्केट के अंदर जाता हूँ और कॉलेज के अंदर जाता हूँ। वहाँ पर जो कुछ भी वहाँ पर होगा तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊँगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप तब तक के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। सबसे पहले बांदीकुई की जनता को मेरी तरफ से आपको राम राम, फ्रेंड्स ये जो भीड़ है ऐसे ही इकट्ठी नहीं हुई है। यहाँ पे माननीय श्री सचिन जी पायलट यहाँ पे पधार रहे हैं और उनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनको दिखाने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। तो चलिए थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे सचिन जी पायलट आ चुके हैं और उनका लोग बहुत अच्छे तरीके से सत्कार कर रहे हैं, है ना, उनका सम्मान कर रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे मीडिया भी है और आदरणीय हमारे माननीय गजराज खटाना जी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे इस पर्दे को यहाँ से हटाया जाएगा, मतलब इसका नीचे की ओर पर्दे को हटाया जाएगा और मूर्ति का उद्घाटन होगा। ठीक है, तो ये मूर्ति का जी अभी जो अनावरण हो रहा है वो माननीय सचिन जी पायलट के द्वारा हो रहा है। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, आपको एक एक चीज़ की नॉलेज, आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे इसको, इस पर्दे को धीरे धीरे नीचे किया जा रहा है और वो माननीय सचिन जी पायलट के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर राजेश पायलट जी की मूर्ति है, उसका अनावरण हो रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स देख लीजिए ये पर्दा है, ऊपर में शायद किसी ने टाइप से बांध दिया था। हाँ, फाइनली राजेश जी पायलट की मूर्ति का अनावरण हो चुका है। ठीक है, आप देख चुके होंगे, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, यहाँ पे राजेश जी पायलट की मूर्ति यहाँ पे अच्छे से साफ साफ दिख रही है। ठीक है, जो कि किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे राजेश जी पायलट, और उनकी मूर्ति का अनावरण सचिन जी पायलट के द्वारा हुआ है, उन्हीं के आदर्श और कमलों पर चलकर। ठीक है, आपको शायद दिखा होगा हल्का हल्का, अभी आपको क्लियर नहीं दिखेगा,
अभी यहाँ पे जो भीड़ जा रही है इसके अंदर आपको कंप्लीट दिख जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फ्रेंड्स से बार बार नहीं बोलना पड़े आपको सब्सक्राइब करने के लिए, तो फटाफट आप वीडियो सब्सक्राइब करते जाइए और हम आपको सचिन की पैलेट को दिखाते हैं। जो सचिन की पैलेट है हमारे बांदीकुई कॉलेज के अंदर, राजेश पैलेट जी कॉलेज के अंदर आए हैं राजेश पैलेट की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये जा रहे हैं सचिन की पैलेट, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। युवक कांग्रेस के हमारे साथी 51 किलो की माला के साथ माननीय पायल साहब और अनर्थितियों का युवक कांग्रेस के भाई अन्ना सोनी जी के नेतृत्व ये युवा सभा महासभा की ओर से गुर्जर महासभा की ओर से स्वागत 51 किलो की माला के साथ। कृपया स्वागत के बाद मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया आप मंच से नीचे पधारे, इससे व्यवस्था बनी रहे। स्वागत के पश्चात मेरा आग्रह युवा कांग्रेस अन्ना सोनी जी उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस के मेरे साथी पधारे और 51 किलो की माला के साथ स्वागत करें। युवा कांग्रेस के साथी जल्दी करिए, युवा कांग्रेस के साथी अन्ना सोनी जी के नेतृत्व में पधारे और 51 किलो की माला आग्रह करूंगा। कृपया बराजिए मैं जीआर खटारा साहब से निवेदन करूंगा कि माला और साफा के साथ माननीय सचिन पायलट साहब का स्वागत करें। युवा कांग्रेस के मेरे साथी आ गए हैं, युवा कांग्रेस के साथी 51 किलो की माला और गदा के साथ में माननीय पायलट साहब का स्वागत कर रहे हैं। युवा कांग्रेस अन्ना सोनी जी के नेतृत्व में 51 किलो की माला और गदा भेंट कर माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत। मेरा आग्रह रहेगा कि स्वागत के बाद सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, स्वागत के बाद मंच को खाली करना होगा। कृपया प्रेम से स्वागत करें और आप बैठें। युवा कांग्रेस के मेरे साथियों से आग्रह, कृपया आप बिराजे। युवा कांग्रेस के मेरे साथियों से आग्रह, कृपया आप बिराजने का कष्ट करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए युवा कांग्रेस के साथी, कृपया मंच से नीचे उतरे। अब मैं आग्रह करूंगा गीता खटाना जी और नगर पालिका की चेयरमैन इंद्रज बेरवा बुक्का भेज करके माननीय पायलट साहब का स्वागत कर रही है। वेद प्रकाश जी सोलंकी विधायक चापसू के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ए और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बी के अध्यक्ष पधारे और वेद प्रकाश जी सोलंकी का स्वागत करें। खिलाड़ी लाल जी बैरवा युवा दिलों की धड़कन राजस्थानी नहीं पूरे देश के लोगों की चाहत आदरणीय सचिन पायलट, देखो हम भी 40-45 साल से कांग्रेस पार्टी की नेतागिरी करते थे,
वायलेट साहब को उनको भी मैंने वोट दिया था जब ऑल इंडिया अध्यक्ष लड़े हैं, लेकिन ये वायलेट साहब मेरे जैसे ऐसा नेता जिसको पूरे राजस्थान की 36 जनता चाहती है, आज हमको उस धरती पे ये धरती पायलट साहब की है, इस धरती को प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसे नेता को ऐसे परिवार को पैदा किया। राम राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद पारिक साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ वेद प्रकाश सोलंकी विधायक साहब सु पधारे और अपनी बात करें संक्षिप्त। राजस्थान की आवाज सामान्य सचिन पायलट जी, यहाँ के लोग चाहते हो वहां ये शादी लेके जाएंगे सारे लोग, ये शादी जिस तरह से जो भी चीज आई जो भी परिस्थितियां आई ये सारे के सारे साथ खड़े रहे। आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, सामान्य पायलट साहब की धरती है, सामान्य राजेश पायलट जी ने दोसा को पहचान दी और दोसा की जब पहचान दी भाई साहब इस बंदे को जरा ध्यान से देखिए, सचिन जी पायलट को देखने के लिए अपने टेंट के ऊपर चढ़ गया है और वहां से आराम से सचिन जी पायलट को देख रहा है, पता नहीं कहां से आए कहां से नहीं आए, ऐसे ऐसे जू भी लोगों पे देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पे देखो आगे नहीं जा पाया, ज्यादा जबरदस्त तरीके से घिर है तो बेचारा टेंट के खंभे पर चढ़कर वहां से सचिन जी पायलट को देख रहा है। 8-10 साल का होगा उस समय पायलट साहब ने इस कॉलेज का जब शिलान्यास किया था तो उसको ऊपर से अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे तो यहाँ से दूर से कुछ नहीं दिख रहा बट उस इंसान को अच्छे से दिख रहा है। मूर्ति की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे लेती रहेगी, कमाल की बात है, पता नहीं ऐसा आइडिया कहाँ से लेकर आया है। जिले के लिए जो जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। चलिए थोड़ा सा आगे से और दिखा देते हैं हम आपको सचिन जी पायलट, थोड़ा सा क्लियर दिखा देते हैं के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, मिजोरम में है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैसे कैसे निकल कर आगे चलते हैं, किन लोगों को चुनकर हमने विधानसभा में भेजना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपके विधायक खटाना जी ने जो दिन रात इस बांदे को विधानसभा क्षेत्र में संपर्क किया है, हफ्ते में 6-7 फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए फ्रेंड्स, सारे के सारे पब्लिक नीचे है लेकिन ये अकेला बंदा ऐसा है जो खंभे के ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा यानी कि सचिन जी पायलट को देख रहा है, है ना। जब पहला चुनाव अच्छे से देख लीजिए खटाना जी को, मुझे तो भीड़ में जगह नहीं मिली, पता नहीं वो कहाँ से मिल गई, आराम से बहुत दिनों के बाद गांधी का मौका मिला और हमें तो यहाँ पे दूर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हम पहले नौजवान थे के लिए आज उनके बच्चे बड़े हो गए जिनके थोड़े थोड़े बाल सफेद थे आज पूरे धोले हो गए, पूरा सफेद हो गए, बस आगे चलते हैं। सीताराम शर्मा जी बार बार जगह जगह ना उठाए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको सचिन जी पायलट बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, साफ साफ दिखेंगे भाषण देते हुए, जो भी कुछ यहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं आपको उसको अच्छे से समझना है, देखना है, सुनना है, ठीक है। और जो भी लोग सचिन जी पायलट से प्यार करते हैं, सचिन जी पायलट से चाहते हैं, तो फटाफट से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। लागत लगती है, खाद बीज पानी कहाँ से आता है, फसल का बीमा कहाँ से होता है, गाय भैंस बकरी कहाँ से आती है, तभी मैं कहता हूँ पायलट साहब भी कहते थे गरीब गांव ढाणी में पैदा होने वाले बच्चे बच्चियां उनको शिक्षा का वरदान मिले, वो पढ़ लिखकर कामयाब हों, जो व्यवस्था इस देश ने संविधान ने बनाई है उसका पूरा उपयोग वो कर सकें, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा, तभी देश विकसित होगा। मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, मेरी बात समझो, इनके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना, लोगों को भड़काना, धर्म जाति की बात करना, सत्ता हासिल करना और राम राम जपना, इतना ही काम है। सब लोगों से सचेत रहना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि अब क्या दुकान बहुत खुल गई। अभी चुनाव से पहले मैं देखूं नई नई पार्टी बन रही है, नए नए नेता आ रहे हैं,
अरे मैं जब किसी पार्टी का भी हो, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, तो फिर सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए। ये नहीं है कोई चील में चला गया, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई बोतल में, कोई हाथी में, कोई केकड़े में, ऐसे नहीं चलता। आप अगर विचारधारा से जुड़े हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप सब लोगों को, ये क्षेत्र बड़ा हो गया, पहले आबादी कम थी, अब 2 लाख 2.5 लाख लोग हर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। अगर कोई ये गलत फहमी पाल ले कि मैं तो फलाने गोत इतना पहले नहीं हो सका, तो उसे ज्यादा काम गाइस देख लीजिए यहाँ की भीड़ कितनी जबरदस्त है भाई, पैर रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, है ना। सचिन जी पायलट ने जो कुछ भी यहाँ पे भाषण दिया है, भाषण देने के बाद में उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनको कहीं और दूसरी जगह भी जाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स वाले हैं और उनको उनके पास टाइम नहीं होता है, है ना। तो वो यहाँ से कहीं और जाएंगे, तो यहाँ से उनका जो सिस्टम है वो समाप्त हो चुका है, यहाँ से उनकी जो मीटिंग होती है वो समाप्त हो चुकी है। और आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे इसी तरीके से, सचिन जी पायलट की वीडियो दिखाते रहेंगे, उसको उसके आचरणों को आपको सुनाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख लीजिए फाइनली यहाँ से सचिन जी पायलट जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको कहीं दूसरी जगह पे भी जाना है, ठीक है। तो वो अभी यहाँ से जा रहे हैं, देखो फूलों की माला से और गाड़ी लगी हुई है सामने, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे है, दूर दूर से लोग आए हैं सचिन जी पायलट को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो उद्घाटन है राजेश जी पायलट के अंदर हो रहा है, राजेश पायलट कॉलेज की बांदीकुई के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। वहाँ पे सिस्टम हो रहा है, वहाँ पे ये मीटिंग रखा गया है। और राजेश जी पायलट आपको पता है किसानों के मसीहाते, जिनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए सचिन जी पायलट खुद आए यहाँ पे। आपको फाइनली हम राजेश जी पायलट की, तो फ्रेंड्स फाइनली हम राजेश पायलट की मूर्ति एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, जहाँ पे उद्घाटन से हमको क्लियर नहीं दिख पाया था, अब यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर से देख सकते हो, ठीक है। और जितने भी लोग अगर राजेश पायलट से प्यार करते हैं, क्योंकि वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे, ठीक है, तो जितने भी लोग राजेश पायलट से प्यार करते हैं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तब जब भी मैं राजेश पायलट और सचिन पायलट की कोई न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ, तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। जय सचिन पायलट जी, जय राजेश पायलट जी। फ्रेंड्स ये थी राजेश पायलट जी मूर्ति की अनावरण का जो आयोजन था, ये सक्सेसफुली रहा। और एक गजब की बात मैं आपको बताता हूँ, जब कॉलेज की स्थापना हुई थी तो यहाँ पे राजेश जी पायलट खुद मौजूद थे, और उनके साथ में हमारे जो जाने माने डायरेक्ट जो एक्टर है उनका नाम है अमिताभ बच्चन, ठीक है, वो उन्होंने खुद इस कॉलेज की नींव रखी थी, ठीक है। तो इस बार क्योंकि राजेश पायलट जी तो अब है नहीं, बट उनके ही आदर्शों पे चलकर हमने उनकी एक मूर्ति का एक अनावरण किया हुआ है, जिनके मुख्य अतिथि थे सचिन जी पायलट, ठीक है। उन सचिन जी पायलट के द्वारा ही इस मूर्ति का अनावरण किया गया है और उनका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो जो लोग सचिन पायलट से प्यार करते हैं, खासतौर से राजस्थान के लोग तो सचिन जी पायलट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आगे तक बने रहिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई अपडेट लेकर आऊँ सचिन जी पायलट और राजेश पायलट के लिए, तो आपके पास में उसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय सचिन पायलट, जय राजेश पायलट।